पाकिस्तान ने चाइना से दोस्ती की, फ्रेंडशिप बनाई, चाइना ने हमें मोहताज किया, मतलब हर प्रोडक्ट अपनी दी हमें चाइना ने, इंडिया ने रशिया से दोस्ती की। अब वो देखे ना, दोस्ती का मजा जब आया है। अब इंडिया अगर रशिया से दोस्ती करता है तो उससे कोई प्रोडक्ट ले रहा है, चाहे वो तेल की शक्ल में ले रहा है, डिस्काउंट पे ले रहा है, तो इंडिया उसे अपनी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा दे भी रहा है। इस चीज की समझ आती है कि यार दोस्ती की है तो बिजनेस में भी जो है ना इंडिया अपना फायदा सोच रहा है। हमें बड़ी तकलीफ होती है कि हम चाइना को लेके चले अपने साथ, लेकिन चाइना ने हमें सिर्फ मोहताज बनाया, बड़ी इस चीज की तकलीफ होती है। अभिषेक भाई, मैंने आप लोगों को कहा, मैं कि यार आप बड़े चलाक दुश्मन निकले आप लोग ना, कि आप लोगों ने हमें लगा दिया वेपन की तरफ और खुद आपने कापी और पेंसिल पकड़ ली, आप स्टडी की तरफ लगे रहे। कोई इंजीनियर बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई एडवोकेट बन गया, कोई कुछ बन गया, और हम लोग देखिए आज भी वही सारे सिलसिले। अच्छा, अभी लोग इंडियन जिससे भी हम पूछते हैं वो कोई ऐसी स्टडी बताता है कि माशाल्लाह पता चलता है कि यार ये पढ़े लिखे लोग हैं। यानी कि आप लोगों ने स्टडी में बड़ी कोशिश की है, बड़ी स्ट्रगल की है, आप लोग स्टडी में ऊपर गए हैं, इंशाल्लाह हम भी कोशिश कर रहे हैं आने वाले टाइमों में। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, जैसे इंडिया की यूथ आगे बढ़ रही है तेजी से, इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम बना रही है, हम भी कुछ सीखें, हम भी आपके साथ मिले, ज्वाइन हो और हम भी अपने पाकिस्तान को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएं। हमें ऐसा क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो जैसे मैंने पहले अपने पॉइंट में बोला था कि लेजिस्लेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन या फिर फाउंडेशन होता है जिसके बुनियाद पर कोई भी देश चलता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए। 1991 में इंडिया के ऊपर भी डिफॉल्ट होने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, बट डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उस वक्त के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इंडिया को इस चीज में से बाहर निकाला था। उसमें इशू ये आ जाता है, हमें अमेरिका रोकता है कि आपने ईरान से गैस नहीं लेनी, फिर हमें उसकी बात माननी पड़ती है। अदरवाइज हमें भी पता है कि ईरान हमें बहुत सस्ती गैस, बड़ा सस्ता ऑयल दे सकता है, बट अमेरिका से भी हम थोड़ा सा प्रेशर में आ जाते हैं ना। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया का जो इसमें मॉडल है, पॉलिटिकल मॉडल जो है, कि हमें हमारी जरूरत के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अमेरिका चाहे कुछ भी बोले, रशिया चाहे कुछ भी बोले, चाइना चाहे कुछ भी बोले, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे जो लीडर्स हैं, उनको ये चीज मालूम है कि हमारे कंट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर कल उठ के अमेरिका बोलेगा कि आपको रशिया से ऑयल नहीं खरीदना है, तो हमारे लीडर साफ मुंह पे जाके बोलेंगे, अगर आप रशिया से सस्ते में तेल दे सकते हैं तो आप बताइए, तो आप बात कीजिए, अगर नहीं दे सकते तो हम रशिया से खरीदेंगे, और आप कोई नहीं होते बीच में बोलने वाले। अभिषेक भाई, ऐसा हुआ भी है, आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने ये स्टेटमेंट ऐसा दी भी है कि भाई अमेरिका का को बीच में आने की जरूरत नहीं है, हम जाने रशिया जाने।